शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब आप दोनों फेरे के लिए खड़े हो जाएं। तुमने मुझसे वादा किया था तुम मुझसे शादी करोगे और हमारे होने वाले बच्चे को अपना नाम दोगे। वधु गर्भवती है, इन दोनों की शादी नहीं हो सकती। नहीं नहीं पंडित जी, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। रिचा, अंजलि क्या हुआ, तुम ठीक तो? अंजलि, कोई बात नहीं यश, घबराने की कोई बात नहीं। और तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी माँ? अंजलि तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है और तुम पापा बनने वाले हो। अंजलि क्या ये सच है? हाँ यश जी, मुझे तुम्हें अपनी बीवी और तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी। घिनौना और घटिया झूठ बोला है। हमेशा मेरे मन में यह घबराहट थी, ये सोच कर थी कि कहीं अलका तुझे अपनी जैसी ना बना दे, और वो हो गया। अरे अपने दुश्मन के साथ भी कोई ऐसा सुलूक नहीं करता जो तुमने अंजलि के साथ किया है। दूसरों की खुशियां छीन कर खुशियां नहीं पाई जाती रिचा। क्यों किया रिचा ये, क्यों? कम से कम अब भी समझ आओ इस बात को। तुम्हारी जैसी औरतें ही औरत और मां के नाम पर कलंक होती है, जो अपने स्वार्थ में अंधी होकर दूसरी औरत के दुख में तेजाब छिड़कती रहती है। बहुत तमाचा देख लिया तुम दोनों का, अब मैं एक मिनट भी तुम्हें यहां रुकने नहीं दूंगा। अपना सामान उठा और चुपचाप चलो यहां से, उठाओ सामान और चलो। पंडित जी, आज यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अगर आप कहें तो मैं अपने ड्राइवर से कह के आपको आपके घर तक छुड़वा देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, हम चले जाएंगे, बाहर से साधन कर चले जाएंगे। गोपाल जी आपके परिवार की रक्षा करें। जय श्री राधे। भैरवी देवी के बारे में क्या कह रही थी? यशी, कि भैरवी देवी तंत्र मंत्र और काली विद्या करने वाली औरत है। उसी ने हम पर काला जादू करके हमें अपने वश में कर लिया था, ताकि हम वैसा ही करें जैसा वो चाहती है। लेकिन अलका तो कह रही थी तुझ पर काला साया है, और वो सिर्फ भैरवी देवी ठीक कर सकती है। अलका के कहने पर तो मैं तुझे भैरवी देवी के पास ले गई। पर बड़ी दादी, आप तो कह रही थी कि अंजलि वहां पहुंचने से पहले ही भाग गई थी। ये
ये सब अलका की वजह से हुआ है। अलका, ये तो साफ हो गया है कि भैरवी देवी ने यशी पर काला जादू किया था, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे। यशी, आप कभी उस भैरवी देवी से मिले थे? नहीं, मैं तो इस भैरवी देवी को जानता भी नहीं और ना ही कभी उससे मिला। तो फिर उसने आपके हाथ में काला धागा कैसे बांधा? अंजलि, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। इसका मतलब उसने किसी और से आपके हाथ पर काला धागा बांधा है। आप तो जानती होंगी ना कि भैरवी देवी ने यशी के हाथ में काला धागा कैसे बंधवाया। हम अभी तक चुप थे क्योंकि हम नहीं चाहते थे ये सारी बातें लाला जी के सामने हो, लेकिन अब तो सब कुछ साफ साफ बाहर आ ही गया है ना। आपने उस भैरवी देवी को पैसे देकर हम पे कितने अत्याचार करवाए। उस भैरवी देवी ने हमें जाल में फंसाया, दीवार में चुनवा दिया और तो और उसने हमें हमें जिंदा जलाने की कोशिश की। लेकिन गोपाल हमारे साथ थे, उन्होंने हमारी रक्षा की। बहू जी, आप जैसे लोग ऐसे अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं, इस भैरवी देवी जैसे लोगों को भगवान बना देते हैं। हम तो उसके अत्याचार से बच गए, लेकिन हम किसी और को भी हो उसका शिकार नहीं होने देंगे। हम जानते हैं हमें उस भैरवी देवी के साथ क्या करना है। अंजलि, क्या करने वाली हो तुम? पाप तो आपसे हुआ है बहू जी, लेकिन आपके पास एक मौका है। आप उस भैरवी देवी का पर्दाफाश करके अपने पापों का प्रायश्चित कर सकती हैं। कहो अलका, तुम खुश तो हो ना? तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन अंजलि अब तक तो जलकर खाक हो चुकी होगी। शुक्रिया गुरुमा, सब आपके कारण ही संभव हुआ। अच्छा सुनो, हमें किसी आवश्यक काम से आज ही आगरा जाना होगा। हमारे आने तक हमारी दक्षिणा तैयार रखना। और हाँ, तुम्हें तुम्हारी बेटी की शादी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरुमा, आने के बाद क्यों? आप वहां जाने से पहले ही दक्षिणा ले जाइए ना, और ऋचा को आशीर्वाद भी दे देना। आज शाम 6 बजे आ जाना आप। ठीक, हम तुम्हारी यही इच्छा भी पूरी कर देते। हम शाम ठीक 6 बजे तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। बैठिए। जी, मंडप तो सजा हुआ दिख रहा है, लेकिन कोई दिख क्यों नहीं रहा? वो अभी शादी में थोड़ा टाइम है। अलका, तुम चिंता मत करो, तुम अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करो। तुम्हारी बेटी की शादी में जो काटा था अंजलि नाम का, उसे मैं जिंदा जला के आया। उसकी बची हुई हड्डियां मेरे काला जादू करने के काम आएगी। है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मेरी दक्षिणा कहाँ है? आप बैठिए, चाय पानी लीजिए।
मैं आपकी दक्षिणा लेकर आती हूँ। शरीर जलाया था, हमारी आत्मा नहीं, अब हम तुम्हारा खून पी जाएंगे। ओ मैं प्रेम क्लेम चामुंडा विच्छेद स्वाहा, ओ मैं प्रेम क्लेम चामुंडा विच्छेद इन्द्रमा, ओ मैं प्रेम क्लेम चामुंडा विच्छेद। लोगों पर अपनी काली विद्या का इस्तेमाल करना बंद करो, वरना तुम्हारा वो हाल होगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। ये क्या नाटक है? इसीलिए बुलाया था मुझे यहाँ? नाटक तो तुम कर रही हो, हमारे घर अंधी बनके आने का नाटक। अरे पाप कर रही हो, अंधविश्वास फैलाने का पाप। मासूम बेकसूर लोगों को प्रताड़ित करने का पाप। ये कैसे हो सकता है? कर भला तो हो भला, ये तो सबने सुना है, लेकिन कर बुरा तो हो बुरा ये भी सत्य है। तुमने जितने भी लोगों की जिंदगियां बर्बाद की है ना, तुम्हें उस सब की सजा मिलकर रहेगी। आ जाइए आप लोग। हम लोग अंधश्रद्धा निवारण समिति से आए हैं, हम तुम पर केस करेंगे और तुम्हें सजा भी दिलाएंगे। इसे पकड़वाने के लिए आप लोग का बहुत धन्यवाद। चलो अब जेल में तुम्हारी सर्विधि उतरवा। अंजलि मैं छोड़ूंगी नहीं। तू चलो छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ मुझे, छोड़, मेरा हाथ छोड़ दे। जो तुमने किया है ना अलका, उसके लिए तुम्हें भी जेल जाना चाहिए। आज के बाद अगर मेरी बेटी अंजलि के ससुराल में अपना मनहूस कदम कभी मत रखना। चलो यहां से। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। हमें पता था आज नहीं तो कल गोपाल हमारी सच्चाई सबके सामने जरूर लेके आएंगे। अंजलि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं माफी के लायक तो नहीं हूं। पर अगर हो सके तो मुझे और मेरे परिवार को माफ कर देना। इंसाफ करने वाले तो गोपाल है यश जी,
लेकिन अब हम इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं। यश जी, शायद हमारी गलती रही होगी कि विश्वास नहीं जीत पाए, और फिर जब आपको हम पे विश्वास ही नहीं है तो आप किसी और से क्या शिकायत करें। सात जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया था ना, लेकिन आपने तो इसी जन्म में हमारा साथ छोड़ दिया। हम रोते रहे, तड़पते रहे, सारी सारी रात सो नहीं पाए, लेकिन आपने हमारा हाल तक नहीं पूछा। वह बहुत बुरा हुआ अंजलि, बहुत बुरा। अंजलि तुम्हें मुझे जो सजा देनी है दे दो, बस मुझे छोड़कर मत जाओ। नहीं यशि, अब हमें इस घर में नहीं रहना चाहिए, हम अपना एक नया जीवन शुरू करेंगे हमारे होने वाले बच्चे के साथ। यश जी, गोपाल को हमेशा खुश रखिए। मैं तुम्हारे बिना खुश कैसे रहूंगा अंजलि, मत जाओ ना मुझे छोड़ के। रुक जाओ ना प्लीज, मैं तो वो भागा बाप जो अपने बच्चे के साथ रहने के लायक तक नहीं हूं। क्या मैं तुमसे एक आखिरी रिक्वेस्ट कर सकता हूं प्लीज? सिर्फ एक बार, मैं अपने बच्चे को महसूस कर सकता हूं प्लीज? प्लीज बहुत बुरे हैं, आपको पता है? आपके पापा आपकी मम्मी का ख्याल नहीं रख पाए।
उनकी कदर ही नहीं कर पाए। लेकिन आप तो गुड बेबी हो ना, आप अपने पापा जैसे बिल्कुल मत बनना। अपनी मम्मी का साथ कभी मत छोड़ना बेटा, कभी मम्मी को हमेशा खुश रखना। अगर उनकी आंखों में से एक भी आंसू गिरा ना, तो पापा आपसे कुट्टी हो जाएंगे। अपनी मम्मी को इस दुनिया की सारी खुशियां देना, कोई सुख देना। पापा लव्स यू बेटा, रियली लव्स यू। अंजलि, तुम्हारे नए बिजनेस का पूरा सेटअप तैयार है। मुकेश गर्ग बोल रहा हूँ, आप जल्दी हमारे घर आ जाइए जी। आगे बोलिए ना, आगे बोलिए जी, आगे बोलिए ना प्लीज, क्योंकि क्या हो गया आपको? जी खून काफी बह चुका है। डॉक्टर साहब, इन्हें होश क्यों नहीं आ रहे? एक्चुअली खून काफी बह चुका है और अभी इंजेक्शन और मेडिसिन का असर है। यू डोंट वरी, ये जल्दी होश में आ जाएंगे। आइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये जो दवाइयां आपने लिखी हैं, ये माना कि हमसे गलती हो गई, वो भी एक गलत फहमी की वजह से। तू तो ऐसे बर्ताव करने लगी जैसे हम में से कोई तेरे लायक ही नहीं है। यश बेचारा रो रो कर तुझे रुकने के लिए कहता रहा, लेकिन तूने उसकी एक नहीं सुनी, जिसका परिणाम तेरे सामने है। तू जाना चाहती है ना, जा। से पहले कि यश को होश आए, तू निकल जा, चले। नहीं बड़ी दादी, अब यश जी को ऐसी हालत में छोड़ के नहीं जाएंगे। कोई जरूरत नहीं हमारे बच्चे पर तरस खाने की, हम लोग जिंदा है अपने बच्चे का ख्याल रखने की। तू निकल अभी के अभी, दोबारा इस तरफ देखने की जरूरत नहीं है, निकल यहाँ से। प्लीज बड़ी दादी, ऐसा मत कीजिए, हमें इस हालत में यश जी से दूर मत कीजिए, प्लीज बड़ी दादी। पापा पापा, आप बड़ी दादी से कहिए ना कि हमें यश जी के पास ही रहने दें, उनके होश में आते ही हम चले जाएंगे। सच में यश की इस हालत की जिम्मेदार ये लड़की है, ये तो भगवान का शुक्र है कि उसे कुछ नहीं हुआ। उसके होश में आने के बाद जाएगी तो उसे झटका लगेगा, पता नहीं वो क्या कर बैठेगा। निकल यहाँ से बड़ी दादी। बड़ी
इसी वक्त तुमसे मिलने आ रही हूँ। अंजलि नाम है उसका। ये रही उसकी फोटो। ठीक है, काम हो जाएगा। नहीं, उसे इतनी जल्दी खत्म नहीं करना है। पहले उसके पेट में पल रहे बच्चे को खत्म करना है। कल के कल ही ये काम हो जाना चाहिए। तुम बोलो तो दोनों को साथ में ही खत्म कर दे। बोला ना नहीं, उस अंजलि को मैं इतनी आसान मौत नहीं दे सकती। सबसे पहले उसे अपने बच्चे को खोने का दर्द महसूस होने दो, फिर उसे मार। ठीक है मैडम। और हाँ, खबरदार, इसमें मेरा नाम कहीं पर भी नहीं आना चाहिए। अंजलि, यश, अंजलि, कान्हा जी, बेटा कान्हा जी का लाख लाख शुक्र है तुझे होश आ गया, ठीक है ना? पापा, पापा अंजलि कहाँ है? अंजलि वो तो कल रात ही घर छोड़कर चली गई बेटा। ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है? यश, मैंने मैंने बेहोश होते उसकी आवाज सुनी थी। वो इस हालत में मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। वो हमारी तरह निर्दयी नहीं है। अंजलि, 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 यश बेटा, अंजलि, यश, यश, अंजलि, यश बेटा बात सुन, अंजलि, यश, अंजलि, यश, यश, अंजलि, बात तो सुन, संभाल के बेटा। अंजलि ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। यश बेटा बात सुन, अंजलि। अरे बेटा क्या अंजलि, अंजलि चिल्ला रहा है। तूने इतने मिन्नत की उसे रोकने के लिए, फिर भी नहीं रुकी, चली गई वो। नहीं दादी, मेरा मन नहीं मान रहा है। अंजलि यहीं कहीं आसपास है। अंजलि, पापा आप मेरा सामान कहाँ लेकर जा रहे हैं? तुम दिल्ली जा रही हो मेरी बहन के घर, अब यहां नहीं रहोगी। ये आप क्या कह रहे हैं? तुमसे दूर भेजना चाहता हूं अपनी बेटी को। किसी और का भला तो तुम सातों जन्म नहीं कर पाओगी। हाँ, ऋचा तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, वो दिल्ली जाएगी। सॉरी पापा,
मुझसे जो भी गलती हुई है उसके लिए मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। आप प्लीज मुझे दिल्ली मत भेजिए, इस वक्त मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आप मुझे अपने आप से दूर कर देंगे तो मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी। हाँ जी, अकेलेपन में आके आजकल के बच्चे पता नहीं क्या क्या कदम उठा लेते हैं। अगर रिचा ने कोई ऐसा वैसा कदम उठा लिया तो हम क्या करेंगे? अभी कम से कम वो हमारे साथ तो रह रही है, हमारे साथ रहेगी तो अपने दुख से जल्दी बाहर आ जाएगी। यश, यश बेटा, इस वक्त तुझे आराम की जरूरत है, तू मेरे साथ कमरे। नहीं नहीं पापा, अंजलि मुझे इस हालत में छोड़ के जा ही नहीं सकती। अंजलि है यहीं। अंजलि कब से उस अंजलि अभागन के बारे में बात कर रहा है तू? कहां ना वो चली गई तुझे छोड़कर? अंजलि मुझे इस हाल में छोड़कर कैसे चली गई? यशी, आप ठीक तो है ना? हम बहुत डर गए थे आपको ऐसी हालत में देखकर। होश में आने का इंतजार कर रहे थे। अंजलि, इसका मतलब तुम पूरी रात यहीं बैठी हुई थी? आप आराम कीजिए यश जी। और तुम? अब हमें जाना होगा। यश, हजार बार रुकने के लिए कहने के बाद भी वो नहीं रुकना चाहती, इसका मतलब वो तुझसे प्यार नहीं करती। प्यार करती है दादी। अगर वो मुझसे प्यार ना करती होती तो रात भर घर के बाहर ना बैठी होती। और मैं अंजलि से और अंजलि मुझसे कितना प्यार करती है कि आप कभी नहीं समझ पाओगे। और आज मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना। बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही दुनिया से चला जाएगा।
दो ना। संभाल के। आप अकेले क्यों भाग गए थे उस गुंडे के पीछे? मैं इससे पहले उससे कुछ पूछ पाता वो भाग गया। कौन था वो और कौन हमारे बच्चे को मारने की कोशिश कर सकता है? ऐसा कौन कर सकता है यश जी? नहीं, आप हमें किसी सुरक्षित जगह ले चलिए ना, जहाँ हमारे बच्चे को कोई खतरा ना हो। यश जी, हम नहीं चाहते हमारे बच्चे को कुछ भी हो। अंजलि, मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। प्लीज मेरे साथ घर चलो। काम हो गया क्या? खत्म कर दिया अंजलि के बच्चे को? विश्वास भी नहीं हो रहा कि रिचा इतना नीचे गिर सकती है। रिचा ने मेरी पत्नी और मेरे बच्चे की जान लेने की कोशिश की है। उसने सारी हदें पार कर दी। अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, कभी माफ नहीं करूंगा। जल्दी से जल्दी 90 दिन के लिए यश की शादी किसी और लड़की से करनी है। भला कौन सी पागल लड़की 90 दिन की शादी के लिए तैयार होगी? हम तैयार हैं। तुमने मेरे यश को मुझसे छीना था ना, यश फिर से मेरे पास आ रहा है। तू भी इस खेल में शामिल है ऋचा। प्यार और जंग में सब जायज है। माई डियर सौतेली बहन, 15 दिन के अंदर मैं तुझे इस घर से और यश की जिंदगी से निकाल बाहर फेंकूंगी। खत्म कर दे अंजलि के बच्चे को। अंजलि, रिचा ने हमारे साथ पता नहीं क्या क्या नहीं किया। हमने सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन आज उसने हमारे बच्चे पे हमला किया। उसकी दुश्मनी हमसे है, हमारे बच्चे से तो नहीं ना। एक औरत, एक दोस्त, एक बहन उसे माफ कर सकती, लेकिन एक माँ उसे कभी माफ नहीं कर सकती, कभी नहीं। जोर से दरवाजा कौन खटखटा रहा है? अरे आ रहा हूं भाई, रुको। कौन है? अंजलि बेटा, तुम? रिचा! कहां चुपी बैठी है? बाहर निकल! क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रही है? क्या हो गया? रिचा! क्या हुआ अंजलि बेटा? अभी सबको पता चल जाएगा कि रिचा ने कितनी घटिया हरकत की है। रिचा! Oh,
चल जा मेरे घर से। अलका रुको तुम। एक्चुअली बेटा हुआ क्या है? आप लोग जानना चाहते हैं ना क्या हुआ है? इस ऋचा ने गुंडे को पैसे देकर अंजलि के पेट में पल रहे बच्चे को अटैक करवाया, उसे मारने की कोशिश की है। झूठ! मैंने ये सब कुछ भी नहीं किया है। झूठ है, झूठ है ऋचा, झूठ की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये देखो, ये उसी गुंडे का फोन है जो उसके भागने से पहले गिर गया था। ये ऋचा मैडम तुम ही हो ना? हाँ। और मैंने और अंजलि ने अपने कानों से सुना है जब तुमने उस गुंडे को फोन करके पूछा था कि अंजलि का बच्चा मर गया या नहीं। क्यों? क्यों किया तूने ऐसा ऋचा? क्यों किया? मुझे गोपाल से डर नहीं लगता क्या? सही नहीं किया तूने? अभी पुलिस को बुलाता हूँ। मेरी बेटी है ही नहीं। रहने दीजिए अंकल, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। पुलिस बस आती होगी। नहीं, ऐसा मत करो। मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की इसने। चल मेरे साथ। आप प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए। मैं आज के बाद आपको शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगी। प्लीज मुझे रोक लीजिए पापा। बस ऋचा, आज के बाद तेरे पापा तेरे लिए हमेशा के लिए मर गए। तुझ पे जान छिड़कते थे। तेरी जैसी औलाद होने से अच्छा आदमी बेऔलाद रह जाए। पता नहीं बेटी के रूप में जन्म लेकर किस जन्म का बदला लिया है तूने मुझसे। जाइए सर। ये तूने अच्छा नहीं किया अंजलि। अब जब भी लौटूंगी तेरी इस हरकत का ऐसा बदला लूंगी ना तुझे जमीन नजर आएगी ना आसमान। ले जाइए इसे। ऋचा। अंजलि चलो घर चलते हैं। दोनों की जिंदगी में जितने भी दुख तकलीफ थे उनका यही अंत हो जाए और अब तुम दोनों साथ मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। और राधा कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ रहे। बेटा सुबोध ने हमें फोन पे बताया कि ऋचा ने अंजलि के बच्चे के साथ क्या करने की कोशिश की। कैसे पढ़ने लगी दरार। हो सके तो मुझे माफ कर दे अंजलि। अलका के चक्रव्यूह में मैं भी फंस गई थी। हाँ अंजलि, मैं भी ऋचा की बातों में एक पल के लिए आ गई थी। समय पर मैंने भी तेरा साथ नहीं दिया। मैं भी तेरा बहुत बड़ा गुनहगार हूँ बेटा। हो सके तो हम सबको माफ कर दे। नहीं नहीं, आप दादी, दादी, पापा,
बड़ों के हाथ माफी मांगते नहीं, आशीर्वाद देते अच्छे लगते। बस गोपाल करे कि हम हमेशा आपकी छत्र छाया में रहें। सुंदर लग रही। हैप्पी बर्थडे यश जी। थैंक यू। लेकिन मेरे साथ साथ आज किसी और का भी बर्थडे है। किसका बर्थडे? अरे यश का मानना है आज का दिन बड़ा खास होने वाला है। खास होने वाला है? दादी हम भी जान सकते हैं कि आज का दिन क्या खास होने वाला है? यश को पक्का भरोसा है कि आज उसका जन्मदिन है और इसी दिन तुम मुझे उसकी बेटी गिफ्ट देने वाली हो, इसलिए उसने अपने जन्मदिन के साथ अपने बेटी के स्वागत की भी तैयारी कर ली। अच्छा जी। बिल्कुल जी। वो देखो। तुम तो जानती हो वैसे तो मैं कुछ मांगता नहीं, लेकिन आज मैंने गोपाल से अपने बर्थडे पर हक से गिफ्ट मांगा है। गिफ्ट में मुझे कृष्णा चाहिए, हमारी बेटी, और मुझे पूरा विश्वास है कि गोपाल मुझे ये गिफ्ट आज ही देंगे। लेकिन आज ही क्यों यश जी? समझा करो अंजलि, मेरी बेटी के जरिए लोग मेरा बर्थडे भी तो याद रखेंगे ना, और फिर पापा और बेटी मिलकर एक बड़ी सी बर्थडे पार्टी किया करेंगे। वैसे हमें पता नहीं था कि आप इतने कंजूस हैं। हाँ, आप दोनों का बर्थडे एक ही दिन मनाकर खर्चा बचाना चाहते हैं। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, मेरी इंटेलिजेंट मॉम टू बी। यशी, माँ कहाँ है? बता दूँ? हाँ। छोटी दादी का फोन आया था, मैं उन्हीं से मिलने गई, और हो सकता है वो छोटी दादी को साथ ही ले आए। अब तुम चिंता मत करो, हमारा घर खुशियों से भर जाएगा। से हम अंजलि से नहीं मिले, उससे मिलने का बहुत मन कर रहा है। चलो होकर आते हैं। तो मैं कह रही थी कि ऋचा की 6 महीने की सजा आज खत्म हो रही है और आज वो रिहा हो रही है। इन 6 महीनों में ना हम उससे कभी मिलने गए और ना कभी बात करी। कौन ऋचा? मैं किसी ऋचा को नहीं जानता। एक बेटी थी मेरी ऋचा, जो हमारे लिए मर चुकी है। भगवान के लिए ऐसा मत बोलिए। खबरदार, जो उस लड़की के लिए आंसू बहाए तो, जो उसने किया है ना, उसके लिए 6 महीने तो क्या, 6 साल की सजा भी कम है। 6 महीने के बाद अंजलि की खुशियों में शामिल होने जा रहे हैं। मुझे अच्छा लगेगा खुशी खुशी अगर तुम भी चलोगी तो। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करता हूं। किशोरी काकी आओ,
रिचा बेटा मुझे माफ कर देना, मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। देखो कैसा है? बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन यश जी हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि आपको इतना भरोसा कैसे है, हमारा बच्चा आज ही जन्म लेने वाला है। क्योंकि उसके पापा के दिल से आवाज आ रही है, कृष्णा की मम्मी, और वो कभी गलत नहीं होती। लो भाई ये टेबल भी आ गया। नहीं बेटा तू मत कर, आराम से चल, वहीं से तो लगाओ बेटा, बताना सीधा लगा। हाँ। देखना बताना बेटा, पापा थोड़ा ऊपर 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 मेरी साइड से, यहाँ से आप भी ऊपर लीजिए ना। अरे बेटा वहाँ से उठा ना, बोल रही है तुझे। हाँ, ऊपर ऊपर। हाँ ये अब ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। अरे सुबोध, नमस्ते अलका भाभी। नमस्ते भाई जी। तो यार गले लग बस बोल, कहाँ था यार 6 महीने मेरे बगैर कैसे रहा तू? हाँ जैसे तू रहा अब क्या करता यार, रिचा ने जो किया ना उसके बाद वो दिखाने के लायक नहीं रह गया था। चल कोई नहीं छोड़ यार। अरे अलका यश और अंजलि को आशीर्वाद तो दे। जीते खुश रहे। बस ऐसी हालत में झुकना नहीं चाहिए। जीती रहे। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। ये कृष्णा कौन है? लाला जी वो पापा। पापा वो हमने और यश जी ने तय किया है कि लड़का हो या लड़की हम उसका नाम कृष्णा ही रखेंगे। बिहारी जी तुम्हारे सारे अरमान पूरे कर लें, तुम दोनों की खुशियों में अब किसी की नजर ना लगे। केक की डिलीवरी लेकर आया था। अच्छा उधर मेज पे रख दे। अब हम सब मिलकर आपका बर्थडे केक काटें। चल
चलो। अंजलि, मैं तुम्हारे बिना केक थोड़ी ना काटूंगा, आओ मेरे पास आओ। चलो चलो चलो, आओ आओ। वैसे गाइस, आज का बर्थडे मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि मेरी धर्म पत्नी मुझे एक बहुत स्पेशल गिफ्ट देने वाली है, और इसके लिए अंजलि के लिए तालियां तो बनती है। हम आपको गिफ्ट तो लाने ही भूल गए, अभी लेकर आते हैं। सचमुच आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का यादगार दिन होने वाला है यश, क्योंकि आज मैं तुम्हारी बीवी और बच्चा दोनों को ऊपर पहुंचाने वाली हूं। बस अब तो फाइनली गई अंजलि, वो भी अकेले नहीं, अपने बच्चे के साथ। जी वो अंजलि मैडम ने अपना कमरा सजाने को बोला था। अच्छा, इन लोगों ने अभी से बच्चे के आने की तैयारी शुरू कर दी। ठीक है, तुम जाओ और कमरे को अच्छे से सजाना। जी। इतना अच्छा मौका गवा दिया हूँ आंटी की वजह से मैंने, अब क्या करूं। अंजलि, 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 अस्पताल, एम्बुलेंस को फोन कर, मैं सभी हॉस्पिटल। अंजलि को हाइपरटेंशन हो गया।
अंजलि या उसके बच्चे को कुछ हुआ ना तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। चल मैं इसे हॉस्पिटल ले जाता हूं। जाने का समय नहीं है हमारे पास। ताई जी, इसको इतना दर्द हो रहा है, क्या किया जाए? अरे मैं जैसे कहती हूँ ऐसे करो। बोलिए ना दादी, क्या कर रहे हैं? अंजलि को तल्ले में नीचे। आराम, गरम पानी। जब गोपाल साथ है तो फिक्र की क्या बात है? कुछ नहीं होगा, अरे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तू ज्यादा लेके आ, ज्यादा लेके आ। मैं जाऊँ दादी पर? तुम्हें मारो। ताई जी, गरम पानी। हाँ जी, हौसला रख बेटा, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा जोर लगा। हाँ अगर मेरी बेटी और मेरी पत्नी को कुछ भी हुआ ना, सच कह रहा हूं, मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा, गोली से। पापा, हमें अंजलि को अस्पताल ही ले जाना चाहिए था। अगर हम उसे अस्पताल ले जाते तो बेटा रास्ते में कुछ भी हो सकता था। तू चिंता मत कर, भाई जी बहुत अनुभवी हैं, तुम ही उन्हीं के हाथों पैदा हुआ। जान लगा अंजलि, थोड़ा एक बार और। अंजलि बधाई हो, तुम्हें बेटी हुई है। अंदर से आवाज आनी बंद क्यों हो गई? शायद डिलीवरी हो गई है बेटा। पर अंजलि की आवाज और बच्चे के रोने की आवाज भी नहीं आ रही है। ताई जी, ये बच्ची रो क्यों नहीं रही है? अंजलि कुछ नहीं होगा, गोपाल है ना हमारे साथ, अंजलि कुछ नहीं होगा। कुछ करो ना। इसकी सांस भी नहीं चली। अंदर इतनी शांति क्यों है? सब ठीक तो है ना? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। बड़ी दादी, बड़ी दादी, सब ठीक है ना? कुछ नहीं होगा। दादी दरवाजा खोलिए ना, सब सब ठीक है ना? अरे दादी, तेरी कृष्णा जन्म लेने के बाद रो ही नहीं, उसकी सांसें नहीं चल रही। बचा नहीं पाए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने आप सबसे कहा था ना कि मेरी बेटी मेरे जन्मदिन पर आएगी, वो आ गई। अब इसे रोना भी होगा। कि जरूर रोएगी, अपनी मम्मी के लिए, अपने पापा के लिए इसे रोना होगा। इसे खुद अपनी आवाज से बताना होगा कि ये हमारी जिंदगी में आ गई है। रोना होगा कृष्णा, तुझे रोना होगा। गोपाल,
अंजलि ने आप पर हमेशा भरोसा किया है। आप उसका भरोसा नहीं तोड़ सकते। आज आपकी भी परीक्षा है गोपाल, आपकी भी, और आपको इस परीक्षा में खरा उतरना होगा। गोपाल, हमारी कृष्णा दादी, होगा वही जो चाहे लड्डू, हमारी कृष्णा, बहिया समय का कुछ नहीं हुआ हमारी कृष्णा को, अंजलि, हमारी कृष्णा।